नींद ना आना, जिसको अनिद्रा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कई प्रकार के नामों से उच्चारण किया जाता है, जिनमें एक होता है इंसो। ये होता क्या है, क्यों हो? ये भी पाया गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ये अनिद्रा की बीमारी ज्यादा प्रभावित। इसमें अनिद्रा से कई प्रकार की व्याधियां होती हैं और अनिद्रा किस कारण से होती है उसके भी कुछ कारणों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उनमें चिंता, एंग्जायटी, शरीर की दुर्बलता, कैल्शियम का कम होना, इस प्रकार से कई कारणों की वजह से, या रात को तालाब होना या भारी खाना खा लेना, शाम को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और रात को फिर नींद नहीं आती या साउंड स्लीप नहीं आती। नींद एक व्यसक पुरुष या स्त्री को मींस एडल्ट को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद करनी आवश्यक है शरीर को फिट रखने के लिए, सारा दिन काम करने के लिए, जिसमें आलस नहीं आए, सुस्ती ना आए, और दूसरा अपनी मनोस्थिति सही रहे, किसी के बारे में नेगेटिव सोचने की प्रवृत्ति नहीं बने, भूख भी ठीक टाइम पर, अपना सोने का समय एक जैसा बना ले, एक वक्त में सोना है, डेली उसी टाइम पे सोना है और सुबह उस टाइम पे, कभी कभी वेरिएशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मोस्टली रूटीन अपनी। अगर किसी कारणवश आपने बेड पे जाकर आपको 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक नींद नहीं आती, तो थोड़ी देर उठ के बाहर आए, खुली हवा में घूमें, पानी पिए, नमकीन और मीठा कोई भी चीज जो घर में हो उसका थोड़ा सा सेवन करें, आपको साउंड स्लीप आ जाएगी। अब विटामिन सी, अगर कैल्शियम कम होता है तो उसको कैसे बॉडी में प्रोक्योर करें, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। कहते हैं जब 30 साल से बड़ी उम्र हो जाती है या 40 साल के बाद एंटी एजिंग स्टेज आ जाती है, तो हमारा कैल्शियम बॉडी का कम होने लग जाता है ऑटोमेटिक। कैल्शियम तो हम खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, दाल सब्जियां, फल फ्रूट जो भी हम खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। उसको ड्रेनेज को रोकने के लिए क्या किया जाए, कुदरत ने हमको 2 फल दिए हैं, जिनका एक का नाम संतरा और दूसरे का नाम मौसमी। रोज सुबह खाली पेट एक संतरा या मौसमी का जूस नहीं पीना, उसको फल को खाना है, उसके जूस को पीना है और उसका जो फाइबर है उसको खा लेना है, उसकी जो बीज है वो बाहर निकाल दें अपने मुंह से और बाकी फाइबर भी खा लें, फिर आपका पेट भी साफ रहेगा और नींद भी साउंड रहेगी। ये दोनों फलों के जो केमिकल हैं वो हमारी बॉडी के कैल्शियम को स्टोर कर ले, सेव कर लेते हैं, ड्रेनेज होकर बाहर नहीं जाने। इसलिए हमको जब कभी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो ये कहता है 2 मौसमी रोज खाना, वो इस वजह से ताकि उसकी बॉडी को आराम मिल जाए और वो साउंड स्लीप ले ले, इससे वो ठीक हो जाए। दूसरा, जब आप दोपहर में या रात को खाना खाते हैं उसके बाद तिल, जीरा और गुड़ अपने पास रख ले, छोटी चम्मच तिल की और जीरा, सफेद जीरा थोड़ा सा और एक गुड़ का टुकड़ा, इन तीनों को मुंह में रखकर चूसे, इनके अंदर कैल्शियम बहुत होता है तीनों के अंदर, और आपके जैसी कैल्शियम जो आपने खाया पिया है उसको पचा देगा, उनकी जो तत्व है उनके अंदर जो बचे हुए कैल्शियम है उनको भी अपने साथ लेके एनर्जी दे देगा, इससे आपको नींद भी आएगी। बदन में कहीं पर सूजन है, दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सिर दर्द है, माइग्रेन का पेन है, किसी प्रकार की भी दर्द हो या बॉडी की गांठ बनी हो, दर्दों की वजह से उसमें आराम आने लग जाता है। दूसरा, रिफाइंड ऑयल को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, कच्ची घानी का सरसों का तेल प्रयोग करें या शुद्ध घी गाय का प्रयोग करें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। कैल्शियम से भरपूर कुछ हमारी फल सब्जियां हैं, कड़ी पत्ता है, सहजन की फली है जो वैसे फली होती है, पत्तेदार गोभी है, फूल गोभी के पत्ते, ये कैल्शियम से भरपूर है, इनका प्रयोग करने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे दांत मजबूत होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी शीत और शिथिलता में आ जाता है वो भी साउंड हो जाता है और हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाव। एक कैल्शियम से भरपूर एक है, लोग अक्सर रात को देसी पान या बनारसी पान आजकल खाने का रिवाज चल पड़ा है, वो खा के रात घूमने जब जाते हैं तो पान खाते, क्या आप जानते हैं उसका क्या फायदा है, उसमें चूना लगाया जाता है, वो चूना कैल्शियम से भरपूर होता है, उसके अंदर सुपारी, लौंग, छोटी इलायची, तत्व गर्म होता ही है, हमारे खाई पी को पचाता है, ये सब चीजें हम जब खा लेते हैं मिठास से वो हमारे शरीर की पाचन शक्ति को बना लेता है, और चूना हमारे को कैल्शियम के रूप में एनर्जी देता है, हमको साउंड स्लीप। कुछ रिसर्च ऐसी भी मैंने पढ़ी जो ये कहते हैं कि उस चूने को एक कप, आधे कप पानी के अंदर थोड़ा सा चूना डाल दें और उसको ढक के रख दें, सवेरे उस पानी को दूसरे कप में छान के खाली पेट थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पिएं, जिससे आपके अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दवाइयां भी हैं सप्लीमेंट, उन कैल्शियम को
विटामिन डी के साथ लेने से फायदा हो। विटामिन डी को कैल्शियम के साथ लिया जाता है। विटामिन डी हमको कुदरत ने सूर्य की किरणों में गर्मी में दिया है। दिन में कोशिश करो सुबह 10 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद जो ठंडी हो गर्म नहीं होती उसका सेवन करो 15 से 20 मिनट डेली। आपके अंदर विटामिन डी आएगा, फिर वो अपने हार्मोन डेवलप करेगा जिससे वो कैल्शियम को स्टोर करने की एनर्जी आ जाए। कई लोगों को रात की ड्यूटी होती है या यात्रा करते हैं, उनकी निद्रा में खलल पड़ता है, उसका धीरे धीरे समाधान निकालें और नींद पूरी करने की कोशिश करें। नींद और लाने के लिए हमारे पास दूध है। दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है जो हमारे को रात को सोते समय नींद लाने में बड़ा सहायक। जो साबुत अनाज है उनका अगर हम खाना खाएंगे तो भी हमको नींद अच्छी आएगी। हर्बल टी क्योंकि अंदर उसकी सुगंध होती है वो हमारे माइंड को अच्छा अरोमा देती है और हमको नींद। अपने बेडरूम के अंदर शांत वातावरण होना चाहिए। रात को सोने से पहले आप लाइट म्यूजिक, अच्छी अखबार किताबें पढ़ें और या गाने सुनें, आपको साउंड स्लीप आएगी। कैल्शियम का प्रयोग फल सब्जियों के साथ, अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप किसी डॉक्टर की देखरेख में जो वो कैल्शियम का टेबलेट बताएं या कैल्शियम सिरप बताएं वो उनका प्रयोग करने से आपको नींद अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी कई प्रकार की बीमारियां शरीर में डेवलप भी नहीं होंगी और अगर हैं तो उनका ऑटोमेटिकली साइड इफेक्ट होके उपचार होता रहेगा। मैं आशा करता हूं छोटी सी वीडियो महत्वपूर्ण है। अपने नींद को लाने के लिए आप इसका इन छोटी छोटी चीजों का उपयोग करें अपनी जिंदगी में और साउंड स्लीप रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे। अगर आईकॉन का बटन नहीं दबाया प्लीज आप उसको दबा दें कि आने वाले वीडियो आप पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।